सब्सक्राइब करें टेक्निकल टीचर को समस्त तकनीकी जानकारी के लिए और बेल आइकन में ऑल बटन को प्रेस करें जिससे आने वाली हर एक नई वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, अगर आपकी SSO ID को लेकर अगर आपको कोई समस्या है तो ये वीडियो आपके लिए है, आप इस वीडियो को पूरी देखें। अगर आपने गवर्नमेंट जॉब में आने से पहले अपनी जो सिटीजन लॉगिन के माध्यम से SSO ID बनाई थी और आप गवर्नमेंट जॉब में आने के बाद में आपकी एम्प्लॉय ID के माध्यम से आपकी SSO ID बन गई है, अमूमन होता ये कि दो आपकी जो पुरानी वाली SSO ID है वो इसमें मर्ज हो जाती है ऑटोमेटिकली, लेकिन अगर किसी कारण से आपकी जो पुरानी वाली SSO ID है वो मर्ज नहीं हुई है तो आपकी जो नई वाली जो गवर्नमेंट जो ID है उसमें आपके जनाधार नंबर, आपके आधार नंबर, आपकी मेल ID, आपके मोबाइल नंबर, ये सब मर्ज नहीं होने की स्थिति में और आपका जो डाटा है वो सारा अपडेट नहीं होगा, आपकी प्रोफाइल अपडेट नहीं होगी और इस कारण से आपको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। तो आपकी इन सब परेशानियों के समाधान के लिए ये मेरे द्वारा वीडियो बनाई गई है, आप इस वीडियो को पूरी देखें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको अपना SSO लॉगिन कर लेना है। SSO लॉगिन करने के बाद में जो ऑप्शन दिखाई देंगे नो डॉट, इन पे अगर आप क्लिक करेंगे और इन पे क्लिक करने के बाद में अब आपको ऑप्शन दिखाई देगा अपडेट प्रोफाइल, इसमें आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद में आपको आपकी डिटेल दिखाई देगी, आपके जो मोबाइल नंबर है उसको आप अपडेट नहीं कर पा रहे हैं, आपकी मेल ID को आप अपडेट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप उसमें अपने जो जनाधार नंबर हैं, जनाधार ID है, आपके जो आधार नंबर हैं उनको आप अपडेट नहीं कर पा रहे हैं। तो इन सभी जो समस्याएं जो आपकी आ रही हैं इनके समाधान के लिए एक आपको ट्रिक बताने वाला हूं कि किस ट्रिक की सहायता से और आप अपनी जो पुरानी SSO ID है उसको मर्ज कर सकते हैं और वो मर्ज होने के बाद में आपकी ओल्ड SSO ID में यहां आपको शो होगी जो आपने गवर्नमेंट जॉब में आने से पहले बनाई थी, या फिर वो आपकी जो पुरानी वाली जो SSO ID है उसको डिलीट करवा सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको अपना Gmail ओपन करना है और Gmail वो ओपन करना है जो आपकी जो गवर्नमेंट जो ID है इसमें आपने रजिस्टर्ड किया हुआ है। अगर आपकी गवर्नमेंट ID में आपने Gmail ID रजिस्टर्ड नहीं की हुई है तो आपके जो पर्सनल जो आपने सिटीजन ID बनाई हुई है उसमें जो Gmail है, जो आपकी मेल ID रजिस्टर्ड है, उसी मेल ID से आप मेल करें और आपको जो मेल करना है उसका जो मेल एड्रेस है वो मैं आपको बता रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लें उसको आपको, और वो जो मेल एड्रेस है वो आपको स्क्रीन पर भी दिखाई देगा। मेल एड्रेस होगा helpdesk.sso@rajasthan.gov.in। ये जो मेल एड्रेस है इस मेल एड्रेस पे आपको अपना एक मेल करना है अपनी रजिस्टर्ड मेल ID के माध्यम से और उस मेल का जो आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट में आप हिंदी में और अंग्रेजी में दोनों में लिख सकते हैं आपकी सुविधा के अनुसार, उसमें लिखे कि जो पुरानी जो सिटीजन SSO ID है उसको डिलीट करवानी है या फिर उसको मर्ज करवानी है अपनी गवर्नमेंट SSO ID में। उसके बाद में आप उससे नीचे लिखें, श्रीमान मेरा राजकीय सेवा में चयन होने से पूर्व मैंने सिटीजन SSO ID के माध्यम से मेरी ये जो ID है ये बनाई थी, आप अपनी SSO ID को लिखें और ये ID बनाने के पश्चात में मेरा राजकीय सेवा में चयन हो जाने से आपकी जो गवर्नमेंट ID है उसको आप लिखें और उस ID में आपको लिखना है कि इस ID में मेरी जो पुरानी ID है उसमें मेरे जनाधार कार्ड, मेरे आधार नंबर, मेरे मोबाइल नंबर, मेरी मेल ID ये सब रजिस्टर्ड होने से गवर्नमेंट ID में इन सब चीज़ों का अपडेशन नहीं हो पा रहा है, अतः मेरा श्रीमान जी से निवेदन है कि मेरी पुरानी SSO ID को डिलीट करने की कृपा करें जिससे मेरा जो राजकीय सेवा में आने के पश्चात गवर्नमेंट ID है उसमें मैं इन सब डिटेल को अपडेट कर सकूँ। ये सब आपको लिख के और मेल कर देना है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके अन्य कोई समस्या है SSO ID को लेके तो उसकी भी आप रजिस्टर्ड मेल से अपने से और इस helpdesk.sso@rajasthan.gov.in जो मेल ID है इस पर आप अपनी समस्या को भेज सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई जनाधार कार्ड को लेके कोई समस्या है, आपको अपने SSO ID से लेकर कोई अन्य समस्या है तो आप विभाग की जो हेल्पलाइन नंबर है 181 उस पर भी आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, अपनी हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके भामाशाह एनरोलमेंट ID में किसी और का भामाशाह कार्ड दर्ज हो गया है या फिर आपके परिवार का पूर्व जो भामाशाह कार्ड है, जनाधार कार्ड है, वो आपका दर्ज है और आपने अभी वर्तमान में अपना नया जनाधार कार्ड बनवा लिया है और आप उसको अपडेट नहीं कर पा रहे, तो
तो वही सेम प्रोसेस आपको करना है, अपनी जो मेल आईडी है रजिस्टर्ड उससे आपको हेल्प डेस्क पर मेल करना है और ये सब चीज़ें आपको उसमें लिख देनी है कि पूर्व में मेरे परिवार का जनाधार आईडी मेरी प्रोफाइल में दर्ज है जिसे मुझे हटाना है क्योंकि मैं अलग हो गया हूँ उस परिवार से, और आपके जो जनाधार आईडी है उसको आपको लिखनी है कि मुझे ये मेरी जो जनाधार आईडी है ये सबमिट करनी है। आपके हेल्प डेस्क सेंटर से आपके पुरानी जो जनाधार आईडी है उसको हटा दिया जाएगा, उसके बाद में आप अपनी नई जनाधार आईडी को सबमिट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसी ही अन्य वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के जो ऑप्शन दिखाई आपको देगा उसमें आप ऑल बटन को सेलेक्ट करें जिससे आने वाली हर एक नई वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।